नाउ लेट अस सी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब अगर एक कैपेसिटर है तो उसके अंदर कैसी एनर्जी स्टोर्ड होगी? तो कैपेसिटर कैसा होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। अब बेसिकली क्या है, इसके पास ये कैपेसिटर है और इसके पास ऑलरेडी कुछ मान लेते हैं अभी स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को चार्ज करना है जीरो चार्ज से लेकर कैपिटल क्यू चार्ज तक, तो बीच में कोई ऐसा मोमेंट आएगा, ठीक है। अब इसको जो चार्ज करने में जो हमारी वर्क डन होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो अगर मान लेते हैं अभी ये स्मॉल क्यू चार्ज तक हुआ है और मैं इसको डी क्यू चार्ज और देता हूं इसको, तो मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा डी क्यू चार्ज देने में। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू इंटू वी, राइट। डी क्यू इंटू वी जो चार्ज दे रहा हूं, इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। सो डी क्यू और वी क्या होगा इस मोमेंट पे? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्यू बाय सी, राइट। इस मोमेंट पे जब ऑलरेडी ये क्यू चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल कितना होगा? क्यू बाय सी होगा। तो इसको अगर मेरे को चार्ज करना है, इसको इंटीग्रेट करते कहां से कहां तक? जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी, राइट। और इसके लिमिट्स डालेंगे फ्रॉम जीरो टू क्यू, तो आंसर क्या आएगा हमारा? हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी। नाउ दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, एनर्जी होती है, ठीक है। और अगर कोई कैपेसिटर है उसके पास अगर कैपिटल क्यू चार्ज है और सी उसकी कैपेसिटेंस है, तो क्यू बाय सी क्या होता है? वी होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं। और सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, सॉरी हाँ, क्यू को जो मैं क्यू को लिख सकता हूं सी इंटू वी, राइट। क्यू की वैल्यू सी इंटू वी करूंगा तो क्या आ जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली फॉर्मूले होते हैं, ऑल्दो एक दूसरे की डेरिवेशन ही और कुछ नहीं है। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट।